मेकरी जैसे स्मूथ एंड स्पॉन्जी रसगुल्ले अगर घर पर बने तो क्या ही बात है, और ओकेजन अगर स्पेशल हो जैसे कि ईद है तो फिर तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके भी रसगुल्ले ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगे। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल मैं हूँ सोनिया। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रसगुल्ले। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये चीज़ है मेरी होममेड चीज़ है। मैंने 2 लीटर दूध को उबलने रख दिया था, जब वो उबल गया तो उसका चूल्हा बंद कर दिया, 10-15 मिनट उसको थोड़ा ठंडा होने दिया। उसके बाद मैंने 2 लीमू का रस निचोड़ कर उसमें पानी शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने एक एक चम्मच करके दूध में डाल दिया और दूध को थोड़ा थोड़ा हिलाती गई। तो जब तक ये चीज़ बन गई और दूध ट्रांसपेरेंट हो गया, तो मैंने चीज़ अलहदा करके चीज़ क्लॉथ में इसको छान के वॉश कर लिया था, क्योंकि नींबू का कोई रस ना रह जाए, तो वो कर लिया था मैंने। और इसका पानी मुकम्मल निचोड़ लिया, अब इसमें पानी नहीं है। अब हम इसको क्या निचोड़ लिया, अब इसमें पानी नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इकट्ठा करेंगे और यूँ हाथों की मदद से इसकी हेल्प से इसको हम गूंज लेंगे, एक डो की सॉफ्ट डो की फॉर्म में गूंजेंगे। तो हमने हथेली से लगातार चलाते हुए इसके जो दाने हैं इसको हमने ख़त्म करना है, इकट्ठा करते जाएंगे और साथ साथ इसको मसलते जाएंगे। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। अब मैंने ये डो तैयार कर ली है, तकरीबन मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं मलते हुए गूंद रही हूँ, तकरीबन गूंदा जा रहा है। ये तकरीबन गूंदने के मराहल में आ चुका है, सॉफ्ट हो रही है। तब तक आपने गूंदना है जब तक आपके हाथ पर इसकी चिकनाई नहीं आ जाए। तो ये रेडी है, ऐसे आपने इसको चेक कर लेना है, जितना ये चिकना बन के तैयार होगा डो आपका, उतने ही सॉफ्ट उतने ही स्पॉन्जी रसगुल्ले आपके बनेंगे। तो मैं इसको इस तरह से रोल कर रही हूँ। अब मैं पहले शीरा तैयार कर लेती हूँ, इसके लिए मुझे 1 कप चीनी और 3 कप पानी चाहिए। आप थोड़ा सा खुला ही बर्तन लीजिएगा। 2 इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इसको हमने शीरे को उबाल के पहले आप इस तरह से हमने इसकी गोलियाँ बना लेनी है, क्रैकलेस गोलियाँ बनाएंगे। पहले 1 या 2 बीच में डालकर आप ट्राई कर लें, देख लें कि वो कैसी बनती है, फिर बाकी सारी जो है ना उनको करें। अगर वो टूटती है शीरे में जाकर तो शीरा छान कर आप उसको दोबारा से उसको गूंदें अच्छे तरीके से। मेरी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बनी है और फूल भी रही हैं माशाल्लाह से। तो आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाना है। बीच में मैंने आपको दिखाया है ये बहुत अच्छे बने हैं, साइड्स इसकी थोड़ी थोड़ी सी क्रैक कर गई है। इसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं आपको ये चम्मच की हेल्प से आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। देखें चम्मच से टूट रहा है, तो ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अपने घर में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।